वालेकुम। बहुत दिनों बाद आज आपसे दो चार क्वेश्चन डिस्कस करने का मूड हो रहा है। यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस जो होते हैं उसमें जो जनरल एग्जाम्स आते हैं, जनरल पेपर्स आते हैं, उस पे कुछ क्वेश्चंस हैं। एक टॉपिक रहता है बहुत छोटा सा, जनरल मैथ्स का, HCF LCM पे बेस्ड, नंबर सिस्टम पे बेस्ड। उसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो 2020 में भी एंट्रेंस एग्जाम में आए हैं, स्पेशली जामिया मिलिया इस्लामिया में 2020 के पेपर में, जो आपका BBA BCom BA इकोनॉमिक्स का जो पेपर होता है, BA ऑनर्स का जो पेपर होता है, उसके कुछ क्वेश्चंस हैं। तो वो इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करूँगा। छोटा छोटा सा कॉन्सेप्ट भी लेंगे और क्वेश्चंस भी लेंगे। तो ये देखिए, ये क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, उन्हें इस पे बेस्ड क्वेश्चन समझेंगे, टॉपिक समझेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास एक पहला क्वेश्चन है। थोड़ा सा डिटेल में लेंगे। देयर आर फाइव बेल्स विच स्टार्ट रिंगिंग टुगेदर एट इंटरवल्स ऑफ 3, 6, 9, 12 and 15 seconds respectively. In 36 minutes, how many times will the bells ring simultaneously? Actually, होता क्या है, आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपके पास बेल्स हैं जो 3 seconds, 6 seconds, 9 seconds, 12 seconds and 15 seconds में रिंग करती हैं। मतलब अगर शुरू में आपके शुरू में वो 0 second पे एक साथ उन्होंने अगर रिंग किया है, तो अब एक पहली बेल 3 second के बाद, दूसरी बेल जो है 6 second के बाद, 9 second के बाद, 12 second के बाद और 15 second के बाद वो बेल आपस में फिर रिंग करेंगे। तो आपसे कह रहा है 36 minutes में वो कितनी बार रिंग कर चुकी होंगी एक साथ। ये बेल के ऊपर भी है और यही क्वेश्चन जो है रेड लाइट के ऊपर भी आता है कि अगर लाइट्स ग्रीन हो रही है, एक 3 second पे होती है, एक 6 second पे होती है, एक 9 second पे होती है, तो वो भी आपके पास आता है। एक्चुअली होता है क्या है, ये LCM पे बेस्ड होता है कि जो इनका LCM होगा वो 3 second के बाद अपने मल्टीपल्स में ये आएंगे। असल में अगर आपसे मैं वैसे ही कहूँ तो ये 3 second के मल्टीपल में आएगी, 3, 6, 9, 12 इस तरह से, ये 6 में आएगी, 6, 12, 18 इस तरह से, ये 9 में आएगी। तो इनके जो मल्टीपल्स हैं, तो कॉमन मल्टीपल्स, तो अगर आप इन 3, 6, 9, 12, 15 का LCM ले लें, LCM शायद आपको बहुत इजीली निकालना आता होगा, ऐसे आप निकाल सकते हैं। वैसे तो मैं अगर आपसे कहूँ मल्टीपल देख सकते हैं 3, 6, 12, तो इन तीनों का LCM 12 होगा और 3 जैसे था तो यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ 5 आ जाएगा, 12, 3 और 5 इतना सा LCM आएगा। 36, 5 जा 180 second। एक तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं जैसे आप प्रैक्टिस चाहें, नहीं तो आप जैसे करना चाहें 3 से 3, 1 जा 3, 2 जा 3, 3 जा 3, 4 जा 3, 5 जा, फिर 2 आप ले सकते हैं, 2, 1 जा 3, 2 जा 5 जा ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं इस तरह से, 3, 4 जा 12, 3 जा 36, 5 जा 180 second। तो है LCM जो आएगा 6, 9, 12 और 15 का 180 second आया। 180 second का मतलब 3 मिनट के बाद ये बेल रिंग करेंगे। आपसे कह रहा था इन 36 मिनट, 36 मिनट में 36 by 3 12 बार ये रिंग करेंगे। लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो, मैंने क्वेश्चन में लिखा था कि सबसे शुरू में 0 second पे ये
रिंग किया होगा इसने, तो एक बार वो हो जाएगा, तो 12+1 13 टाइम्स। तो आपकी जो बैल है वो 13 टाइम्स रिंग करेगी। ये हमारे पास होगा, तो आपका आंसर आया। एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसमें जो दिया हुआ है ये भी HCF LCM पे ही है। फाइंड द लीज नंबर विच वेन डिवाइडेड सेपरेटली बाई 15, 20, 36 and 48, लीव 3 एज रिमाइंडर इन ईच केस। फाइंड द लीज नंबर विच वेन डिवाइडेड बाई दीज नंबर। एक्चुअली आपको क्या करना है, आपको 15 से, 20 से, 36 से, 48 से एक नंबर को डिवाइड करना है। जो नंबर इनसे डिविजिबल है वो इनका मल्टीपल होगा, ध्यान रखना। तो LCM निकाल दीजिए बस बात इतनी सी। 15, 20, 36, 48 का जब आप LCM निकालेंगे, निकाल देते हैं, आप करना चाहें इसे 5 से 1 4 हो जाएगा 12 और 12 144 5 720। तो 720 इनसे डिविजिबल है, लेकिन आपको चाहिए 3 रिमाइंडर, प्लस 3 कर दीजिए तो 723 आंसर आ जाएगा। 723 आंसर, ये 723 को अगर आप इन नंबर से डिवाइड करोगे तो वो डिवाइड नहीं होगा और 3 हमेशा रिमाइंडर देगा। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं। एक ये छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ था, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स 200 and 320। यहाँ 200 है, आपसे कह रहा है ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड। तो 10 दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है। अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो 16 जो है वो 200 को डिवाइड नहीं करता है, 10 भी करता है, 20 भी करता है, 40 भी करता है। तो सबसे बड़ा नंबर 40 होगा, या ये कह लीजिए इनका HCF निकाल दिए 200 का और 320 का, तो बड़े से बड़ा नंबर आ जाएगा जो इनको डिवाइड कर सकता है। तो इसमें कुछ करना नहीं था, 40 इज द आंसर। एक क्वेश्चन है कि बहुत बार एग्जाम्स में घूमता रहता है, LLB में, MBA में, डिप्लोमा में बहुत घूमता है। बहुत ही सिंपल है, अगर मैं इसको ऐसे ही शो कर दूं, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 5:6, देयर HCF इज 4, देयर LCM विल बी। एक्चुअली हो क्या रहा है, रेशियो 5:6 है, तो एक को 5A मान लीजिए, एक को 6A मान लीजिए। अब अगर 2 नंबर हो गए तो इनका HCF इनका कॉमन हो जाएगा, कॉमन इनका हो गया A, A हो गया 4, तो इसका मतलब एक नंबर हो गया 5:4 और एक नंबर हो गया 6:4, HCF इनका हो गया 4 और LCM इनका हो गया 5 भी आएगा, 6 भी आएगा और 4 भी आएगा 120। ये क्वेश्चन थे छोटे छोटे से जो HCF और LCM पे बेस थे, इस पे आप सॉल्व कर सकते हैं। एक दूसरा लेंगे अभी,
वर्क एंड टाइम पे क्वेश्चंस आए हुए हैं तो वो लेंगे इंशाल्लाह। देखिए जरा स्कोर डिस्कस करें।